The question is, draw histogram for the following table. Marks is given 0 to 20, 20 to 30, up to 70 and above. And number of students hai hamare paas 7, 10, 10, up to 8. और टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 90. तो हमें इस डेटा से ड्रॉ करना है एक हिस्टोग्राम. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट क्या है कि यहाँ अगर आप देखो जो क्लास साइज़ है वो सब में सेम नहीं है. यानी कि यहाँ पर जैसे क्लास साइज़ क्या है 20 का है, यहाँ क्लास साइज़ 10 है, यहाँ क्लास साइज़ 10 10 10 10. एंड 70 से आप अब कहाँ तक जा सकते हो? मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 मिल सकते हैं, है ना. तो 70 से 100 तक में आपके पास जो क्लास साइज़ है वो 30 आ गया. तो अगर आप इसी डेटा से हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दोगे तो वहाँ पर इन दो क्लासेस की वजह से आपका हिस्टोग्राम गलत हो जाएगा. ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, हमें एडजस्ट करनी है इन फ्रिक्वेंसीज को अकॉर्डिंग टू देयर क्लास विड्थ. राइट, तो हम यहाँ पर टेबल दोबारा बनाते हैं. इसकी मार्क्स हैं हमें गिवन 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 टू 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 100. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो गई, 7, 10, 10, 20, 20, 15 एंड 8. अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, जो फ्रिक्वेंसी है वो मुझे एडजस्ट करनी है 0 से 20 तक की क्लास के लिए. राइट, सो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप देखो क्लास की विड्थ लिख लो कि क्या है हमारे पास. यहाँ पर क्लास विड्थ 20 है, यानी कि जो क्लास साइज़ है हमारा 10 10, यहाँ भी 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है और यहाँ हमारे पास 30. राइट, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स बनेंगी उनकी जो लेंथ यानी कि जो हाइट जाने वाली है वो कितनी होगी. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स तो कैसे एडजस्ट करेंगे, ये 7 जो है इस 20 के लिए, तो आपको क्या करना है, 7/20 यानी कि फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना है क्लास साइज से मल्टीप्लाई बाय. अब यहाँ आपको क्या करना है, जो क्लास साइज है ये जो आपके पास कॉलम आया है, इस कॉलम में जो भी नंबर्स हैं आप उनका HCF देखो कि HCF क्या होगा, यानी कि सारे नंबर किस एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं. तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि सारे 10 से डिविजिबल है, है ना. तो HCF जो अगर आप देखोगे तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका यहाँ पर HCF आ रहा है. तो 10 आ रहा है, तो जो भी इनका HCF है तो आपको इसको HCF से मल्टीप्लाई करना है. राइट, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ क्लास विड्थ. फ्रीक्वेंसी 10, क्लास विड्थ 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 20, क्लास विड्थ 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 15 एंड 8/30 मल्टीप्लाई बाय 10. जहाँ पर क्लास साइज डिफरेंट होगा वहीं पर फ्रिक्वेंसी चेंज होगी. जहाँ पर क्लास साइज आपका HCF के इक्वल चल रहा है उन सभी में आपके पास फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली बचा क्या, 7/2 यानी कि 3.5. ये आपके पास सेम है 10 10 20 20 एंड 15. लास्ट इसमें भी चेंज होगा, 8/3 आ गया, 8/3 इज 2.67. तो यानी कि जो हम हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं उसमें जो फर्स्ट हमारा इंटरवल है 0 से 20 उसमें जो क्लास हम जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 नहीं लेंगे, वो उसमें हम 3.5 लेंगे. राइट, सो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस. अच्छा देखो यहाँ पर हमें किंक की ज़रूरत नहीं है, डेटा हमारा 0 से ही स्टार्ट है. सो यहाँ पर है हमारे पास अप टू 100 जाना है हमें, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100. यानी कि एक्स एक्सिस पे हमने जो यहाँ पर साइज़ है स्केल जो है वो हमने 10 का ही लिया है. जो मार्क्स हैं राइट, यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये हाईएस्ट हमारे पास देखो 20 है. तो यहाँ पर हम गैप ले सकते हैं, स्केल 2 का ले लेते हैं. टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन एंड 20. तो स्केल में आप क्या लिख लेंगे,
स्केल में लिखेंगे कि वन यूनिट या वन बॉक्स इज इक्वल टू या वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू टू स्टूडेंट्स एंड ये है हमारे पास वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर स्केल क्या है, वन सेंटीमीटर या फिर वन बॉक्स इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स, राइट। तो अब देखो 0 से 20 के लिए फ्रीक्वेंसी है 3.5, तो 3.5 कहाँ आएगा, यहाँ तो हमारा 3 हो जाएगा, 3.5 से थोड़ा सा ऊपर, 0 से 20 तक की क्लास के लिए ये, ठीक है। और देखो अगर यही आप लेते 0 से 27 ले लेते तो आपके पास ये रॉन्ग हो जाता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 0 से 10 वाले भी 7 स्टूडेंट होंगे और 10 से 20 वाले भी 7, यानी कि टोटल 14 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो वहाँ ये गलत हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है वो एडजस्ट करनी पड़ती है। 20 से 30 में 10 ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 30 से 40 में 10 है, फोर्टी टू फिफ्टी हमारे पास 20 है, 50 to 60 भी 20 है, 20 मीन्स हमारे पास हाइट यहाँ तक चली जाएगी। देन इसके बाद हमारे पास 60 to 70 15 है, 15 हमारा आएगा यहाँ। ग्राफ पेपर पे आपका इजीली बन जाएगा, ये ग्राफ पे बनाना है आपको ये। 60 to 70 हमारा आ चुका है 15, फिर 70 to 100 है 2.67, 2.6 यानी कि ये 3 था तो 3 से कम आएगा यहाँ पर, राइट। तो इस टाइप से हमें इसका ग्राफ बनाना है, बनाने के बाद हमारे पास ये कुछ इस टाइप से नज़र आएगा, तो ये हमारा हिस्टोग्राम होगा इसका। थैंक यू।